सर आप यहाँ आए हैं, ये जो किडनैप हुआ है बच्चा अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे देखते हैं? हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल तबाह हो चुका है, समंदर से कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर तक। पहले हम समझ रहे थे कि ये मसला उत्तर सिंध के कच्चे का मसला था, अब हम देख रहे हैं कि ठट्टा से लोग गवाह हो रहे हैं, कराची से लोग गवाह हो रहे हैं, मलीर से लोग गवाह हो रहे हैं, बदीन से भी लोग गवाह हो रहे हैं, और ना सिर्फ माइनॉरिटीज़, सब मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, हिंदू भी, मगर ख़ास तौर पर जो मज़लूम लोग हैं, जिनके पास ना कोई सियासी ताकत है, ना कोई इस तरह की पावर है या बैकिंग है, दे आर बीइंग किडनैप्ड द मोस्ट। और ये एक जुल्म है और ये एक एम्बैरेसमेंट भी है सिंध के लिए, हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। और मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें पता है कि धारियल और डाकू कौन हैं, और अगर हमें पता है कि कौन उनको कदर दे रहे हैं, और अगर हमें पता है कि इनकी लोकेशन किधर है, और अगर हमें पता है कि ये लोग कहाँ पर है, तो हम ये एक बड़ा इशू क्यों नहीं बना रहे कि इन लोगों को बुलाओ, जो धारियल है उनको बुलाओ, उनसे पूछें कि तुम क्यों कर रहे हो, सिर्फ पैसे की वजह से या इसके पीछे कोई और चीज़ है? बस मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू।